मोतिहारी कोर्ट में बड़ी साजिश नाकाम, बड़े गैंगस्टर का करना था काम तमाम। सामने आया पाठक गैंग का नाम। जी हाँ, मोतिहारी सिविल कोर्ट में बड़े गैंगस्टर का काम तमाम करने का साजिश नाकाम हो गया। हुआ यूं कि मोतिहारी कोर्ट परिसर में सोमवार को जेल से पेशी के लिए लाए गए कुख्यात अपराधी की हत्या करने आए सातिर बदमाश के पिस्टल से उसे ही गोली लग गई। कोर्ट में फायरिंग की आवाज़ सुन लोग इधर उधर भागने लगे, फिर पुलिस ने शख्स को घायल अवस्था में दबोच लिया। घायल शख्स कोई और नहीं बल्कि रिमांड होम से भागा हुआ अपराधी गोविंदा था। गोविंदा ने बताया कि उसे गोली उसी के पिस्टल से लगी है। इसके बाद गोविंदा ने जो खुलासा किया उसके बाद कोर्ट कैंपस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। गोविंदा एक बड़े गैंगस्टर का काम तमाम करने आया था। मंटू शर्मा हत्याकांड में कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए अपराधी टुन्ना सिंह को कोर्ट कैंपस में ही छलनी करने आया था। कुख्यात अपराधी टुन्ना सिंह के हत्या के पीछे मुकेश पाठक एंड हिज गैंग का नाम सामने आया है। टुन्ना जेल में बंद है, फिर भी जिले में उसका वर्चस्व सबसे ज्यादा है। टुन्ना का बड़ा भाई लक्ष्मी सिंह भी जेल में ही बंद है। मोतिहारी ही नहीं, गोपालगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर, आरा में भी टुन्ना का काफी वर्चस्व रहा है। सूत्रों की माने तो इस पूरे वारदात को अंजाम देने का पूरा प्लान जेल में तय हुआ। जेल में बंद सुजीत चौधरी ने हथियार उपलब्ध कराया था। इस सुजीत चौधरी वही है जो संतोष झा हत्याकांड में हथियार उपलब्ध कराया था। मुकेश पाठक गैंग के लिए काम करता है और चकिया अनुमंडल के टेंडर को लेकर इन लोगों के बीच विवाद चल रहा है। टुन्ना लक्ष्मी गिरोह का जिले में बड़ा वर्चस्व है, इस वजह से मुकेश पाठक से दोनों के बीच अनबन चल रहा है। मुकेश पाठक गैंग ने संतोष झा के जैसे ही टुन्ना को भी कोर्ट में छलनी कर देने का प्लान बनाया। कोर्ट में ही हत्या करने के लिए गोविंदा सहनी और विक्की को भी सिविल कोर्ट में भेजा। गोविंदा रिमांड होम से भागा हुआ अपराधी है तो विक्की भी रिमांड होम से ही फरार है। गोविंदा और विक्की को टुन्ना को छलनी कर देना था। कोर्ट कैंपस से निकलते ही गोविंदा टुन्ना को भून देता, फिर विक्की के बाइक पर बैठकर फरार हो जाता, लेकिन पूरा साजिश नाकाम हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टुडे बिहार न्यूज, मोतिहारी।